हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हमारा क्विक रिवीजन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बड़े चैप्टर पे, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इससे 5 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए इसके क्विक रिवीजन को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले फेज में हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कई सारे नेम रिएक्शंस को भी कवर कर लेंगे। सेकंड फेज में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन पर बात करेंगे। थर्ड फेज में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, हेलोफॉर्म टेस्ट, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 2,4-DNP टेस्ट को। फोर्थ फेज के अंदर हमारा डिस्कशन रहेगा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पे, और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट फेज के अंदर हम पैसेज या पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें ABCD पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पूछ ली जाती है, या कभी कभी ABCD में कुछ रिएजेंट्स पूछ ले जाते हैं, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ हमारे 5 फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे और इसका क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस चैप्टर के वेटेज के हिसाब से इतने एफर्ट्स करना तो जरूरी है। ओके, तो अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन से। फाइन, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखें, कन्वर्जन की यदि हम बात करें तो हम कन्वर्जन को 3 केसेस में देखेंगे। अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो है केस फर्स्ट। ध्यान दें, जो प्रीवियस चैप्टर था वो प्रीवियस चैप्टर था अल्कोहल, CH3CH2OH। अगर इनके अंदर PCC डाल दिया जाए तो ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन के एल्डिहाइड में। फाइन, और यदि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिए जाएं, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो 2 कार्बन का आपको एसिड मिल जाएगा CH3COOH। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से पता होगी। फाइन, इसी बात को यदि हम थोड़ा सा और आगे ले लें तो देखें, इसके अंदर यदि यहां देखें, ये अल्फा कार्बन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हेल वॉलहार्ट ज़ेलेनस्काय रिएक्शन। वहां पे यदि आप रेड फॉस्फोरस लें, साथ में Cl2 मिला दें, तो अल्फा पोजीशन पर Cl आ जाएगा, CH2COOH, करेक्ट, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा और आगे ले जा सकते हैं, और इसके अंदर हम अगर मिला दें एक्वस KOH, ये कन्वर्जन CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो Cl हटकर OH आ जाएगा और यहां पे OH CH2COOH तैयार। काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एग्जाम में आ चुका है। ध्यान रखिए, इसे आप अल्फा हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि COH से पहला कार्बन जुड़ा और इस पे OH जुड़ा है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या इथेनोइक एसिड कहा जा सकता है। कन्वर्जन आया है, ध्यान रखिएगा। और ये जो रिएक्शन मैंने बोली थी, यहां पे जो रिएक्शन आपने की थी, इस रिएक्शन का नाम है हेल वॉलहार्ट ज़ेलेनस्काय रिएक्शन, आप ध्यान रखें इसको। फाइन, चलिए वापस लौटते हैं, इस तरफ आते हैं नाउ। अब हम आते हैं वापस अपने कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि हमें सीधा अल्कोहल बनाना हो तो क्या किया जाएगा, तो अगर सीधा आपको अल्कोहल बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको इसमें मिलाना होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, साथ में H2O आप लिख सकते हैं, H2O H3O+ आप हमेशा लिखें, तो इसके रिडक्शन से आपको वापस अल्कोहल मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर। देखिए, सबसे पहले अगर एल्डिहाइड में डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया जाए तो रिएक्शन है AC। AC का मतलब होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, CH3CH, ठीक है, यहां पे माइनस कर दीजिए, यहां पे प्लस कर दीजिए, 2 यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है। तो मैं शॉर्ट में आपको ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ऐसी एक यूनिट वापस पास में निकली जाती है CH2COOH, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, इसको तोड़ दीजिए, ये माइनस, ये प्लस, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस को जोड़ दीजिए, या माइनस है तो ये प्लस आके जुड़ जाएगा, तो ऊपर OH आ गया, ये CH है, प्लस, प्लस से माइनस जोड़ दीजिए, तो इसके आगे कौन है, CH2 और COOH, ये लीजिए। फाइन, तो ये चीज हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, एल्डिहाइड और एल्कोहल बन गया है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। आप चाहें तो इसको फर्दर आप हीट कीजिए, जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे तो इसमें से कौन सी चीज बाहर निकल जाएगी, H2O। जब H2O बाहर निकल जाएगा, कहां से, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा से H और बीटा से OH, जब बाहर निकल जाता है तो अब यहाँ जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, फिर आपको ये मिल जाएगा। और इस रिएक्शन से
हम कुछ और प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, ये एल्डोल है और यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है। कंडेंसेशन मतलब छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे इसमें NaBH4 डाल दिया जाए, एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जाए, तो रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देगा और यहाँ जो चीज़ अब आपको मिलेगी ये OH, ये CH2 और यहाँ एक कार्बन का और अल्कोहल बन जाएगा, ये ब्यूटेन 13 डायऑल। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए ब्यूटेन 13 डायऑल। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम यहाँ आए, अब इसके अंदर यदि कोई ऐसा रिएजेंट डाला जाए जो कि COH को ऑक्सीडाइज कर दे और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, तो हम बना सकते हैं ब्यूट टू इनोइक एसिड। अब कोई ऐसा रिएजेंट जो COH को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे, तो उसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट भी लिख सकते हैं। फाइन, तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट CHO को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इसको कन्वर्ट कर देंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH में। तो आप टॉलरेंस रिएजेंट लिखें तो काम हो जाता है, टॉलरेंस रिएजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। या फिर आप कोई ऐसा रिएजेंट भी लिख सकते हैं जो डबल बॉन्ड पे तो कोई फर्क ना डाले लेकिन CHO को ऑक्सीडाइज कर दे COOH में। तो कोई और रिएजेंट भी आप लिख सकते हैं लेकिन टॉलरेंस रिएजेंट भी लिखेंगे तो वैलिड है, डबल बॉन्ड जाए वहीं का वहीं रहेगा और COOH ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने एक फेज देखा। दूसरे फेज के ऊपर बात करते हैं, वो यहाँ देखिए। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में हम चाहें तो एडिशन रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। देखिए HCN का आप अटैक कीजिए, जब आप HCN का अटैक करेंगे तो आपको अच्छे से पता है CH3 माइनस माइनस ये वाला प्लस आके जुड़ जाएगा तो ऊपर OH आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा CN। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी गई है। साइनोहाइड्रिन में जब भी आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस से जो चीज मिलती है आपको वो मिलती है CH3CH, जो OH है वो वहीं, और CN जो ग्रुप होता है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज लैक्टिक एसिड, काफी फेमस कंपाउंड है और यहाँ जो कार्बन आपको मिल रहा है वो कायरल सेंटर है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जब HCN के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनते हैं पहले और साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो CN ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाता है और आपको लैक्टिक एसिड मिल जाता है। कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। तो एक रिएक्शन आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। अब अगर इसकी रिएक्शन GR के साथ कर दी जाए CH3MgBr, GR की रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जब आपको कार्बन बढ़ाने हो, जनरली जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए उसमें एक कार्बन एनहेंस करना हो, राइट ना, तो जैसे ये एल्डिहाइड है और इससे जो भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए उसमें एक कार्बन मुझे बढ़ाना है, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, या एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज करना है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी कन्वर्जन में एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज करना हो तो आप ध्यान रखें यही कन्वर्जन काम में आएगा। हमने लास्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन में भी इस चीज को देखी थी। देखें यहां पे तो CH3MgBr से रिएक्शन कीजिए, CH3MgBr से जब रिएक्शन होगी तो क्या बन सकता है देखें, और फॉलो अप बाय हाइड्रोलिसिस तो होता ही होता है तो वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। मैं शॉर्ट में पहले यहाँ बता देता हूँ कि क्या होता है, फिर आप वहाँ पे लिख लें। देखिए जब भी ये वाला बॉन्ड टूटता है तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे तो माइनस और यहाँ पे तो प्लस ही होगा। अब ऊपर क्या हो सकता है, देखिए CH3C O पे माइनस है, माइनस से प्लस को जोड़ दो MgBr, CH तो है ही है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो इससे कौन आगे जुड़ जाएगा CH3। हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो H यहाँ पे और OH यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH3CH CH3 और यहाँ पे ये, तो CH3CH ऊपर कौन आ जाएगा OH और इस तरफ वापस कौन आ जाएगा CH3। फाइन, तो ये चीज़ हम मैं हटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये चीज़ बन गई, ये आपको जो चीज़ मिल रहा है वो मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा अब देखिए, यदि इसके अंदर PCC मिला दिया जाए, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अब जो चीज़ आपको मिलेगी वो होगा CH3CO CH3 और अब आपको मिल गया कीटोन्स। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स, दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें एल्डिहाइड को यदि कीटोन में बदलना हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। हाँ, अगर आप कीटोन का रिडक्शन कर देते हैं वो भी आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है, यदि कीटोन का रिडक्शन कर दिया जाए, निकल H2 लिख लीजिए, तो रिडक्शन में क्या होता है आपको अच्छे से पता है, एक H यहाँ लिख दीजिए, एक H यहाँ लिख दीजिए और ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो CH3CH नीचे OH मतलब वहाँ ऊपर मान लो और ये CH3, तो ये चीज़ मिल जाती है। तो ये रिडक्शन से किया जा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं एक्स्ट्रा में ये बता देता हूँ, यदि इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया जाए और 443 केल्विन कर दिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H हट जाएगा और अब जो चीज़ आपको मिलेगी वो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन्स भी मिल सकते हैं। तो बताना चाह रहा हूँ कि हम कैसे एक दूसरे में कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। इससे अगर आप रिएक्शन को आगे ले जाना चाहें, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, पहले भी हम देख चुके हैं, अगर इसकी रिएक्शन B2H6
H2O2 और OH-. मैंने प्रीवियस चैप्टर के कोई रिवीजन में भी ये बात आपको बताई थी, तो इसके अंदर आप वाटर जोड़ दीजिए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2OH। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता पूछा भी गया है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है और इससे कह रहे हैं कि ये बनाइए, इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको यही B2S6 के साथ रिएक्शन करनी है, सेम B2S6 वाली रिएक्शन। तो इससे जो प्रोडक्ट बनाओगे वो आप क्या बनाओगे, रिंग वहीं की वहीं रहेगी, बॉन्ड टूटेगा और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से यहाँ OH आके जुड़ जाएगा। अब आप इसके में PCC डाल दीजिए, PCC जब आप मिला देंगे तो यहाँ से H और यहाँ से छटके इस CH ग्रुप आ जाएगा। दैट्स वाई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दी। तो अभी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो चीज़ अभी आपको सामने नजर आ रही है, इसके अंदर हमने एक कन्वर्जन किया एलिफेटिक कंपाउंड्स का, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको सामने नजर आ गई होंगी, ठीक है, जिसके अंदर हमने एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्कीन्स, इन सबको इन्वॉल्व किया। तो ये हमारा केस वन था जो कि आपको नजर आ गया होगा। अब हम इसके साथ केस टू शुरू कर रहे हैं जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन है, और उसके बाद केस थ्री देखेंगे जो थोड़ी सी डिफरेंट केसेस है जिसके अंदर हम स्टेफेंस रिडक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो हम चाहें तो स्टेफेंस रिडक्शन वाला केस पहले भी देख सकते हैं। तो चलिए केस वन, अब केस टू देखते हैं। देखिए केस टू पे यदि हम बात करें, तो केस टू पे मैं अपनी बात को शुरू करता हूं CH3CN मिथाइल साइनाइड से। देखें मैं जो रिएक्शन अभी आपको बताने जा रहा हूं वो है स्टेफेंस रिडक्शन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, दैट्स व्हाई मैं इसको अलग से बता रहा हूं। तो CH3CH डबल बॉन्ड NH, SN प्लस HCl मिलकर हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, वो हाइड्रोजन यहां आके जुड़ जाते हैं और ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाता है, तो CH डबल बॉन्ड NH। तो इन ट्रिक्स की कोई खास जरूरत नहीं है, अभी तो आप सीधी रिएक्शंस को देखिए, ये चीज बन जाती है। अब इसके बाद इसका आपको सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस में O इस तरफ और 2H इस तरफ, तो यहां O आ जाएगा इस तरफ, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। मेन फोकस आपको इस पे करना है, तो CH3O इस तरफ और 2H उस तरफ, NH3 बाहर, यहां पे ये बन गया, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बात कर रहे हैं, तो हमने ये एसिटाल्डिहाइड बना लिया जिसके ऊपर भी हमने कन्वर्जन पढ़े थे। इसको अलग से मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये रिएक्शन कहलाती है स्टेफेंस रिडक्शन, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई। तो इसे हम कहते हैं स्टेफेंस रिडक्शन, ध्यान रखें। अब कनेक्शन क्या है, कनेक्शन देखिए दूसरी चीजों से, सेम चीज मैं बना सकता हूं एक और मेथड से, जिस मेथड को मैं यहां शो कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए, अगर इसकी GR के साथ रिएक्शन की जाए CH3MgBr, तो आपको अच्छे से पता है पैटर्न जो होता है, मैं हटा दूंगा पर एक बार आप देख लीजिए, तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, तो CH3C डबल बॉन्ड N, माइनस माइनस से ये बॉन्ड जब टूटता है तो ये प्लस और ये माइनस होता है, तो MgBr तो इधर आ जाएगा, और इस पे प्लस है, प्लस से माइनस जोड़ दीजिए CH3। इसके बाद आप क्या करते हैं हमेशा, इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप हाइड्रोलिसिस कीजिए, जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से आपको इसको तोड़ना है, करेक्ट, और यहां पे O आ जाएगा, करेक्ट, और यहां पे दो H आपको जोड़ देने, फाइन। तो यहां पे जो चीज बनने वाली है वो बनने वाला है CH3COCH3, करेक्ट। तो यहां पे CN के जब CH3MgBr से आप रिएक्शन कर देते हैं तो यहां पे डबल बॉन्ड O और ये कीटोन्स आपके तैयार हो जाते हैं। इन कीटोन से यदि आप चाहें तो रिडक्शन करके निकल PDPT ले लें, निकल PDPT और H2 ले लीजिए, और जब आप ये काम करेंगे तो आपको मिलेगा CH3CH OH और CH3। एक केस आपको सामने ये आ गया, तो ये रिएक्शन भी आप ध्यान रख सकते हैं कि साइनाइड की जब GR के साथ रिएक्शन की जाती है तो भी कीटोन्स बनाए जा सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने फॉर्म किया। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि इससे वापस हम ये एक और तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो तरीका देखिए इधर है, यहां देखें, वो तरीके में हम यूज करेंगे एक रिएजेंट, रिएजेंट का नाम है डाइबेलएच। देखें अगर साइनाइड में सीधा आपके पास एरो पे लिखा हुआ है डाइबल एच, ओके, बस डाइबल एच लिखा हुआ अगर आपके पास आ गया, वाटर भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, तो CN ग्रुप जो होता है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट करना है आपको, बस ये चीज ध्यान रखनी है, डाइबल एच का डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइबल एच दो चीजों में काम करेगा, एक CN को CHO ग्रुप में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ अगर कोई एस्टर भी आपके पास है, एस्टर जैसे कि CH3CO, ये मैटर करता है, इधर कुछ मैटर नहीं करता,
इधर कोई भी ग्रुप हो, इस वाले ग्रुप वाला ही एल्डिहाइड बनता है, तो CH3 के बाद एक CO ग्रुप है, तो बस ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आप आ सकते हैं और इसको भी हम टेबल H से बना सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि एस्टर से भी एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और साइनाइड से भी एस्टर्स सॉरी एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। दोनों में आप एक रिएजेंट यूज कर सकते हैं, डायबल एच, डायबल एच सीधा CN को CHO में कन्वर्ट कर देता है, और साथ ही साथ डायबल एच सीधा जो एस्टर्स होते हैं उसमें ये वाला जो पार्ट होता है, अब यहाँ पे मान लीजिए CH3 CH2 CO होता तो फिर यहाँ पे प्रोपेनल बन जाता, तो यहाँ दो कार्बन है तो दो कार्बन का हमें एल्डिहाइड हम ये बना सकते हैं। तो हम डायरेक्टली ये चीज बना सकते हैं, इसलिए मैं बात पहले भी आपको मैंने बोली कि आप डायरेक्टली ये इस तरीके से बना सकते हैं स्टेपन रिडक्शन से, और चाहे तो आप इसमें ये रिएजेंट डाल के भी ये चीज कर सकते हैं। एक CN की एक्स्ट्रा रिएक्शन मैंने आपको बताई कि साइनाइड कभी आपके पास हो और उससे कीटोन्स बनाने हो, तो आप इस तरीके से आगे जा सकते हैं। इसके अंदर आप CH3MgBr से रिएक्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कीटोन्स मिल जाएंगे। खासकर कीटोन्स में एसीटोन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है स्टेपन्स रिडक्शन। ध्यान रखें डबल एच का डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बीच में कोई डबल बॉन्ड भी है जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और फिर जाके CN आ रहा है, तो जहां डबल बॉन्ड है वो वहीं रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर के अंदर ये वाला ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाता है, तो डबल एच डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं डालता। फाइन, ये तो हमारा दूसरा केस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस पे। ये देखिए ये हमारा सेकंड केस भी पूरा, अब हम थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस जो हमारा रहेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स पे रहेगा। तो हमारा जो केस है नेक्स्ट वो है केस 3। देखिए केस 3 में हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे बेंजीन से। बेंजीन में यदि CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया जाए, जो कि क्लास 11th की रिएक्शन है, आप सबको अच्छे से पता होगा कि यहां पे CH3 ग्रुप आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही CH3 ग्रुप आया या कोई भी एल्किल ग्रुप आ जाए टर्शरी को छोड़कर, और इसमें डाल दिया जाए KMnO4 बेसिक मीडियम में, और पहले तो ये कर दिया जाए और दूसरे में एसिडिफिकेशन, बस आपको तो ध्यान रखना है CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके तैयार हुए। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। फाइन, फिर पीछे कुछ और रिएक्शंस भी देखेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि मुझे बेंजीन बनाना है तो एक बहुत फेमस रिएक्शन है, मैं लिखता हूं आप ध्यान दीजिएगा। अगर मुझे इससे बेंजीन बनाना है तो मुझे इसकी NaOH प्लस CaO सोडा लाइम से रिएक्शन करनी होगी। ध्यान कीजिए Na और अच्छा, हम सबसे पहले वैसे तो रिएक्शन दोनों स्टेप्स में हो ही जाती है, फिर भी मैं आप चाहें तो मैं इसे दो स्टेप में बता देता हूं। यहां देखिए आप डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं इसकी NaOH से रिएक्शन करते हैं। जब इसकी NaOH से रिएक्शन करेंगे तो यहां इसका एक सॉल्ट बन जाएगा बेंजीन रिंग COO- और Na+। अब इसके अंदर हम डीकार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन जब करेंगे तो NaOH प्लस CaO और हीट कीजिए, तो याद होगा आपको Na2CO3 बाहर निकाल देना है, Na2CO3 और एक H जो है वो यहां पीछे आगे जुड़ जाता है और ये बेंजीन बन जाता है। तो ध्यान रखिए बेंजोइक एसिड से सीधा बेंजीन बना लिया और बेंजीन से वापस आप यहां आ गए, तो ये साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें आगे तो यहां देखिए इसकी कुछ रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यदि इसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दी जाए तो यहां पे एसिड का एक डेरिवेटिव बन जाता है जिसको हम कहते हैं COCl एसिटाइल क्लोराइड, यहां पे हम इसे बेंजोइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, राइट। ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको मैं यहां बता देता हूं, उम्मीद तो है मुझे कि आपको ये सब बातें पहले से पता होगी। COH SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये यूं टूट जाता है, ये SO आ जाता है, यहाँ Cl आ जाता है, यहाँ Cl आ जाता है, बाय प्रोडक्ट्स हैं COCl एसिड क्लोराइड तैयार। फाइन, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन यदि अमोनिया के साथ कर दी जाए और हीटिंग भी कर दी जाए तो एसिड जब अमोनिया से रिएक्शन होती है तो आपको अमाइड मिल जाते हैं, तो CONH2। इससे हमारे अमीन्स में भी काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होंगे, तो ध्यान रखिए अमाइड बन जाता है। वैसे आप सीधा ध्यान रख सकते हैं, यहां पे अगर आप विगरसली हीट करेंगे तो CONH2 आ गया और एक एच और यहां से H2O बाहर निकल जाता है, तो आप ध्यान ही रखें एसिटामाइड कहते हैं इसे, सॉरी बेंजामाइड, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजामाइड। फाइन, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। अब अगर इसके अंदर कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया जाए तो आपको अच्छे से बताया बेंजीन पे जो CH ग्रुप जुड़ा रहता है उसमें पहला एटम कार्बन है और कार्बन पे लोन पेयर नहीं है और उसके पीछे डबल बॉन्ड है, करेक्ट। ऐसे ग्रुप हमेशा या CH ग्रुप हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, काफी
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, तो जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स है उनके केस में तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, लेकिन जो काफी वीक रिएजेंट्स है उनके केस में रिएक्शन नहीं होती। नाइट्रेशन हो जाता है, और नाइट्रेशन जब होगा तो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल दैट इज NO2 आके जुड़ जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर आप चाहें तो ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, Br2 जोड़ दीजिए साथ में FeBr3, तो ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा और यहां पे मेटा पोजिशन पे Br आके जुड़ जाता है। फाइन, तो ये दोनों तो हो गए। आप चाहें तो सल्फोनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पास्ट ईयर्स में सल्फोनेशन पे क्वेश्चन आया नहीं है और एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम सल्फोनेशन पे बात नहीं कर रहे। बाकी सल्फोनेशन भी हो सकता है, लेकिन फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं होता। आपसे पूछा भी जा सकता है कि बेंजोइक एसिड फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन शो क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप कहेंगे CUH ग्रुप इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई ये फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन शो नहीं करता। तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। नो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन लिख देते हैं जिसमें दोनों ही आ जाएगी, नो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन। क्यों? CUH ग्रुप इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इतना आप ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, चलिए ये कुछ रिएक्शन हमने यहां पे देख ली, फाइन। चलिए अब यहां पे देखिए, अगर बेंजीन की रिएक्शन CH3COCl के साथ कर दी जाए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो आपको पता होगा कि बेंजीन रिंग और CO एसीटोफिनोन बनके तैयार। ओके, ये रिएक्शन पहले भी हम देख चुके हैं। अब ये एसीटोफिनोन तैयार हो गया। अब इस एसीटोफिनोन के अंदर यदि ZnHg/HCl, जिसे हम कहते हैं क्लेमेंसेंस रिडक्शन, ध्यान रखिएगा क्लेमेंसेंस रिडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है और इस तरीके से कन्वर्जन में भी आया है। क्लेमेंसेंस रिडक्शन जब हम कर देते हैं तो क्लेमेंसेंस रिडक्शन के लिए तो ये यूज करते हैं, और वॉल्फ क्रिस्नर रिडक्शन अगर करना होता है तो NH2 होता है पहले तो यूज, उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH यूज करते हैं, ठीक है ना, हीटिंग करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है, तो ये चीज भी यूज की जा सकती है। दोनों का पर्पस एक ही है दोनों के केसेस में, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H और यहां पे H, और ये चीज बाहर निकल जाती है, और जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगा बेंजीन, ठीक है, CH2 और CH3, इंपॉर्टेंट चीज है, फाइन। और इसके बाद यदि यहां देखें, थोड़ा सा छोटा करता हूं मैं, यहां देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चाहे बेंजीन रिंग पे कोई सा भी अल्किल ग्रुप जुड़ा हो, मिथाइल एथाइल टर्शियरी ग्रुप नहीं होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है, या कोई कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सीधा अगर इनके अंदर क्या मिला दिया जाए, KMnO4, वापस वही OH- फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में वही सेम चीज एसिडिफिकेशन, ये कर दिया जाए, तो ध्यान रखिए बेंजीन रिंग से जो CO ग्रुप जुड़ा रहता है उसके आगे से बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है ये COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए COH में आ गया, ये चीज बाहर निकल जाती है, ये HCOH फिर CO2H2O बाहर निकल जाता है, लेकिन जब बेंजीन रिंग से CO ग्रुप जुड़ा रहता है तो आप सीधा बेंजोइक एसिड बनाइए। तो कोई कीटोन है तो भी बेंजोइक एसिड बनेगा, कोई अल्किल ग्रुप है तो सेम चीज। ये अगर मैं, ये तो सब इसके साथ रिएजेंट्स है, क्लेमेंसेंस रिडक्शन है, ये क्लेमेंसेंस है, वॉल्फ क्रिस्नर है। यहां पे कौन से रिएजेंट्स लिख रहा हूं मैं, वही लिख रहा हूं जो यहां लिखे हुए हैं, KMnO4 KOH फर्स्ट और सेकंड में H+ ions। तो ये वाला जो ग्रुप है ये भी यही से एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे देता है। डिटेलिंग की मैं यहां जरूरत नहीं समझता, लेकिन ध्यान रखिए बेंजीन रिंग पे कोई सा भी अल्किल ग्रुप हो या कोई सा भी कीटोनिक ग्रुप हो, राइट, या कोई एल्डिहाइड हो, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। ये कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट थे, इन पे सभी पे, ऑलमोस्ट सभी पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो सारी काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें हमने कई सारी नेम रिएक्शंस को कवर किया है, नाइट्रेशन कवर किया, ब्रोमिनेशन कवर किया, सल्फोनेशन के बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया, ये अमाइड्स बन रहे हैं, ये एसिड क्लोराइड्स बन रहे हैं, डीकार्बोक्साइलेशन है, ये इसे आप कह सकते हैं असाइलेशन कह सकते हैं, असाइलेशन रिएक्शन है, क्लेमेंसेंस रिडक्शन है, और ये वॉल्फ क्रिस्नर रिडक्शन है। तो जो कन्वर्जन अभी आपने देखे तीन केसेस में मैंने आपको बताए, मैं तीनों केसेस को मिनिमाइज करता हूं थोड़ा सा, शायद आपको नजर ही नहीं आएंगे बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दूं तो, लेकिन ये सारे कन्वर्जन है। देखिए ये केस वन हमने देखा था, शायद आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, तो वैसे आप स्क्रॉल कर लें पहले भी या वीडियो को वापस चलाकर इनको देख लें और अच्छे से इनके आप नोट्स बना लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसके अंदर हम सबसे पहले अपनी बात शुरू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, हम बात शुरू करेंगे अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन पे। ई है ये, राइट ना, ई एलिमिनेशन रिएक्शन पे। देखें, एक जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मैंने देखा है, वो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मैंने देखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, या जो रिएजेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो रिएजेंट्स या जो रिएक्शंस जनरली आती है इंक्लूड होती है, वो HCN वाली रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, NaHSO3 वाली रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एल्कोहल्स वाली रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिसमें हेमी एसिटल्स, एसिटल्स, कीटल्स, हेमी कीटल्स बनते हैं, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। इसमें मैंने इस पर क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए, इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आए, और HCN वाला केस तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देख लिया, साइनोहाइड्रिन बनता है फिर उससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन के टुवर्ड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन जो रिएक्शंस होती है इनमें रेट क्या है रिएक्शन की। तो ध्यान रखें, आप हमेशा सबसे तेज रिएक्ट करते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड, आप याद ही रख लीजिएगा, गलती होगी तय है अगर ध्यान नहीं रखा तो। सबसे तेज ये रिएक्ट करते हैं, इनसे धीरे रिएक्ट करते हैं इन्हीं के जैसे एल्डिहाइड लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड फिर लीस्ट तो नहीं कहेंगे, इनसे कम रिएक्टिव है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, यहां पर कर देते हैं हम थोड़ा सा, जिससे हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है। इससे कम जो रिएक्शन करेंगे, धीरे रिएक्शन करेंगे, वो एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन्स, और सबसे धीरे रिएक्ट करेंगे एरोमेटिक कीटोन्स। पहले तो आप ये ऑर्डर याद रखेंगे, इसके बिना आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, पहली चीज। अब कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो HCOOH की जो एक्टिविटी होगी वो सबसे तेज होगी। रीजंस क्या हैं इनकी रिएक्टिविटी के, तो रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, फिर ऑर्डर हम बाद में लिखेंगे। रीजन दो है, एक रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रीजन जिसको हम प्लस आई इफेक्ट से बताते हैं, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एक्टिविटी उतनी कम हो जाती है, करेक्ट। एंड नंबर टू जो सेकेंड रीजन है वो है स्टेरिक रीजन, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उससे भी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि कीटोन कम रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि कीटोन में भीड़ भाड़ भी ज्यादा होती है और कीटोन से प्लस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा मिलता है आपको, बस इतना ही आप लिखिएगा। नाउ तो इन दो रीजन की वजह से ऑर्डर आता है। अब मैं अगर ऑर्डर लिखूं आपके सामने, तो सबसे तेज रिएक्ट करेंगे ये वाले एल्डिहाइड, एलिफैटिक तो ही है, इससे धीरे रिएक्ट करेगा ये वाला एल्डिहाइड क्योंकि इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट आ गया है और इसमें भीड़ भी कम है, इसमें थोड़ी सी भीड़ बढ़ गई, इससे धीरे रिएक्ट करेगा ये क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो कुछ भी हो जाए एल्डिहाइड को हमेशा आगे रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे रिएक्टिविटी जो कम होगी वो कीटोन्स की होगी, ये देखिए ये कीटोन आ गए, इससे भी धीरे रिएक्टेंट या रिएक्ट करेगा वो ये वाला कीटोन करेगा क्योंकि ये एरोमेटिक कीटोन हो गया है, करेक्ट। अब मैं इधर भी बेंजीन और इधर भी बेंजीन लगा दूं तो उसकी रिएक्टिविटी और स्लो हो जाएगी। तो ये ऑर्डर जरूर याद रखिएगा, इस ऑर्डर पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑर्डर ध्यान रखें, एल्डिहाइड की एक्टिविटी सबसे तेज, एलिफैटिक की सबसे तेज, उससे कम एरोमेटिक, एल्डिहाइड चाहे कोई सा भी हो वो कीटोन से ज्यादा ही एक्टिव माना जाएगा, फिर कीटोन्स को आप अरेंज कर दीजिए। जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी कम एक्टिविटी आएगी टुवर्ड्स विच रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं आए लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखें एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एक्टिविटी तो आपने देख ली, अब प्रोडक्ट्स कैसे पहचानते हैं। देखिए इसके अंदर जनरली जो रिएक्शन मैंने मैक्सिमम देखी वो देखी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की। अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो यहाँ पे वो ग्रुप जुड़ा रहता है पीछे, फाइन, तो ये ग्रुप हमने पीछे जोड़ दिया। सिमिलरली एक रिएक्शन और आई है H2N NH CO NH2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं। मैं दोनों बातें आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहां देखें, देखिए फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन, एसिड मीडियम में हो रही है, मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस करना नहीं है, सीधा सा आपको ट्रिक ध्यान रखिए, H2O बाहर निकलना है, H2O बाहर निकलना है। अब यहां पे लोग गलती क्या करते हैं वो सुनिए। देखिए ये है सेमी कार्बोजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बोजाइड और यह है हाइड्रोक्सिल अमीन। ऐसी ही सारी रिएक्शंस होती है वो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, लेकिन हम उनको कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस
10 ईयर्स में आए हैं। हम जनरली जो पेपर कवर कर रहे हैं वो मैंने बहुत ज्यादा पुराना नहीं लिया क्योंकि बहुत क्वेश्चंस हो रहे थे, दैट्स व्हाई। तो हम कवर कर रहे हैं 2010 से 2020 तक के क्वेश्चंस, फाइन। तो यहां पे यदि हम बात करें तो सेमी कार्बोजाइड है, H2O आपको बाहर निकालना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड, और सीधा यहाँ पे एन आ जाएगा, NHCONH2, इसे आप कहेंगे सेमी कार्बोजोन। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है उसमें ध्यान रखिए, एग्जाम में ये रिएक्शन यूं उल्टी लिख के दी जा सकती है, जैसे कि NH2CO NH NH2। देखिए मैंने इसको यूं उल्टा लिखा है, बस इसको यहां से लिखना शुरू कर दिया तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहां से H2O निकाल देते हैं और प्रोडक्ट गलत हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, रीजंस का ये टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं बहुत ज्यादा, बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि CO के साथ जो NH2 ग्रुप होता है उससे H2O कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो अगर आप यहां से H2O निकालने की बात करेंगे तो दैट इज रॉन्ग, हमेशा जो फ्री NH2 होता है जिसका लोन पेयर किसी भी रेजोनेंस में एंगेज नहीं होता वो काम में आता है। यहां तो अगर इसका लोन पेयर अगर आप देखें तो रेजोनेंस में एंगेज है, और जबकि रिएक्शन की स्टार्टिंग लोन पेयर के डोनेशन से होती है, दैट्स व्हाई आप ध्यान रखें हमेशा फ्री वाला जो NH2 है, या आप इस रिएक्शन में ध्यान रखें कि CO के पास वाले NH2 से आपको H2O बाहर नहीं निकालना, इस साइड से H2O बाहर निकालना है, इसलिए रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और हमेशा लिख के इस तरीके से देंगे और आप तुरंत यहां से H2O निकाल देंगे और प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, इसे सेमी कार्बोजोन कहते हैं। यहां तो बिल्कुल ईजी है, यहां कोई बहुत विशेष बात नहीं है, यहां डबल बॉन्ड N और ये OH आ जाएगा, ठीक है। और यहां जो चीज बनती है हाइड्रोक्सिल एमीन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्साइन। अब मान लीजिए यहां पे H और H होता तो ये फॉर्मल्डिहाइड होता, तो यहां पे भी H और H होता ये भी फॉर्मल्डिहाइड होता, तो हम इसे कहते हैं ऑक्साइम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ओके, और साथ में H2O तो बाहर निकाल ही रहे हैं। ऐसे इसकी कई सारी और रिएक्शंस भी हैं जो कि आप पूरी कर सकते हैं। इसी के अंदर एक टेस्ट भी आता है जिसे हम कहते हैं 2,4-DNP टेस्ट, वो रिएक्शन में अभी हम जब आगे टेस्ट के ऊपर बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो उस टेस्ट का नाम है 2,4-DNP टेस्ट, उसके अंदर येलो कलर का PPT बनता है और वो एल्डिहाइड और कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी आगे। तो पहले तो आप इन रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट थी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसके बाद यदि हम बात को आगे बढ़ाएं तब हम बात करते हैं एक और रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए रिएक्शन मैं इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं कि कैनिज़ारो का कोई कन्वर्जन में कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी रिएक्शन आती है, राइट अ नोट ऑन कैनिज़ारो रिएक्शन, कई बार एग्जाम से पूछा गया है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये बतानी चाहिए। बोर्ड्स के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, कॉम्पिटेटिव में तो कई सारे टाइप के कैनिज़ारो होते हैं, फाइन। यहां कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां दो ही एग्जाम्पल आपके पास है। कौन शो करते हैं कैनिज़ारो, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अगर आप गौर से देखें तो ये मेन ग्रुप है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। ये मेन ग्रुप है, इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीन वैलेंसी पूरी हो गई तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनिज़ारो कौन से कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं, मैं इन शॉर्ट बोलूं तो केवल एल्डिहाइड्स ही शो करता है। तो कैनिज़ारो कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं, वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 50% KOH भी लिखा हुआ आया है लेकिन आप तो बस ध्यान रखिए कंसंट्रेटेड बेस क्या करना है। ये रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन है, आप एल्डिहाइड्स में ऑक्सीडाइज हो जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, रिड्यूस हो जाए तो अल्कोहल, इसमें दोनों प्रोडक्ट्स बनाने, एक कार्बन का अल्कोहल बनाना है और एक ही कार्बन का एसिड बनाना है, लेकिन क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो एसिड की बजाय उसका हम सॉल्ट लिख देते हैं क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, दैट इज मेथनॉल, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। सिमिलरली बेंजीन के अलावा एक कार्बन है, बेंजीन के अलावा अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन का आप अल्कोहल बना लीजिए, तो बेंजीन के अलावा एक कार्बन का अल्कोहल इज बेंजाइल अल्कोहल, ध्यान रखें बहुत से लोग इसको फिनाइल अल्कोहल बोलते हैं, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, फाइन। नाउ साथ में एक कार्बन का ही बेंजीन के अलावा सॉल्ट बना लेंगे एंड दिस इज पोटेशियम, व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, फाइन। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल और पोटेशियम बेंजोएट बन जाते हैं, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से आपको मिथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट मिल जाते हैं, यही कैनिज़ारो रिएक्शन है, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। इसी सीरीज में एक रिएक्शन और भी है जिसका कोई कन्वर्जन वगैरह से तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन एग्जाम में क्योंकि पूछी गई है तो आपको वो पता होनी चाहिए, वो है इटार्ड्स रिएक्शन। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है, सीधी सी बात है ये रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, इनका कहीं इंटरकनेक्शन नहीं है किसी से, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इटार्ड रिएक्शन, देखिए इटार्ड रिएक्शन किसकी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन टॉलिन की रिएक्शन है, बस आपको ये रिएजेंट याद रखना है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, आपको बीच में एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आपको ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहता है तो आपको मेन प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए, इससे बन जाता है बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर, तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी मेन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आए
तो आप हमेशा जरूर लिखें कि किसकी रिएक्शन हो रही है। नीचे नाम लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है नेम रिएक्शंस के ऊपर। ये टार्ड रिएक्शन है। अब अगर वो कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रह पाता है, मैं अभी तो आपको यही कहूंगा कि आपको लर्न ही करना पड़ेगा, तो अच्छी बात है। और अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो फिर जैसी ये स्त्री आए तो मैं यही बना देता हूं, तो फिर आप सीधा यहां से यहां आ जाइए, राइट। लेकिन ये ध्यान रख लेते हैं तो अच्छी बात है। जो कॉम्प्लेक्स है वो है ओ सी आर ओ एच सी एल होल ट्वाइस का टू टाइम्स, ठीक है। तो ये तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है। मैं अभी तो यही बोलूंगा कि आप इसको रट ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इटार डायरेक्शन पे नोट लिखने के लिए आता है। अब आपको याद नहीं होगा तो हो सकता है मार्क्स कट जाएं, तो इतना सा तो अभी आप ध्यान रख लीजिए। सी एच दो एच हट जाते हैं, इसमें दो यूनिट्स हम जोड़ रहे हैं, ओ सी आर ओ एच सी एल होल ट्वाइस सी एल के दो, क्योंकि यहाँ पे टू लगाने का मतलब है सी एल चार है, तो यहाँ टू लगा दिया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके हाइड्रोलिसिस से आपको बेंजल डिहाइड बन जाता है। ये तीनों ही रिएक्शंस जो अभी मैंने आपको बताई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, उसके बाद कैनिजारो और ये इटार्ड, ये इंपॉर्टेंट है और इन पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये हमारा दूसरा फेज भी कंप्लीट हो जाता है। हम अपनी बात को शुरू करेंगे थर्ड फेज पे, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाएंगे, देखें ये हम नेक्स्ट ले लेते हैं। या देखिए नेक्स्ट फेज पे यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टेस्ट के ऊपर। फाइन, देखिए इंपॉर्टेंट टेस्ट में कौन कौन से हम इंक्लूड करने चाह रहे हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, आप ध्यान दें। हम इन्वॉल्व करेंगे टॉलरेंस रीजन को, टॉलरेंस टेस्ट लिख देते हैं, फैलिंग्स टेस्ट भी लिख देते हैं, उसके बाद हेलोफॉर्म टेस्ट, उसके बाद टेस्ट विथ NaHCO3 और लास्ट में 2,4-DNP टेस्ट। ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं काम करता हूं, वो कंपाउंड लिख देता हूं जो जो ये टेस्ट शो करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर रिएक्शंस हम बाद में देखेंगे। देखें टॉलरेंस टेस्ट, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, ये टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड, ये टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, ये टेस्ट फॉर्मिक एसिड भी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें बेंजल डिहाइड भी टेस्ट देता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते हैं और फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देता है। फैलिंग्स टेस्ट की यदि हम बात करें तो फैलिंग टेस्ट में केवल एलिफैटिक जो एल्डिहाइड होते हैं वही ये टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि ऊपर टेस्ट देते हैं लेकिन यहां पे नहीं देते, फॉर्मिक एसिड जो ऊपर टेस्ट दे देता है लेकिन यहां पे नहीं देता। ऊपर यदि हम बात करें तो कीटोन्स की यदि हम बात करें तो कीटोन्स ऊपर भी टेस्ट नहीं देते और कीटोन्स नीचे भी टेस्ट नहीं देते, मतलब कीटोन्स कोई से भी हो ना टॉलन से रिएक्शन करते हैं ना फैलिंग से करते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी चाहिए। बात करते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट की, हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन दे सकते हैं। देखिए एल्डिहाइड में केवल ये एल्डिहाइड, ओनली दिस एल्डिहाइड हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, इजी हो गया आपके लिए। उसके अलावा कीटोन्स में कोई सा भी कीटोन आप ले सकते हैं लेकिन उस कीटोन में CH3CO ग्रुप होना चाहिए, तो वो कीटोन्स भी ये टेस्ट दे देते हैं। इसके बाद हेलोफॉर्म टेस्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं एस्टर्स, एस्टर्स में इधर आप कोई सा भी ले लीजिए RCO और इधर अगर इथाइल है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुका है, इसे कहते हैं इथाइल, और ये एसीटेट कह लीजिए अभी या इथाइल तो कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि R फिक्स नहीं है, यहाँ CH3 होता तो इथाइल एसीटेट कहते थे हम। तो मेन चीज है कोई सा भी एस्टर आप ले लीजिए लेकिन अगर उसके इधर CH3CH2 ग्रुप है तो भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे देता है, रिएक्शन आएंगे मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर ये R है CO है और O और ये CH3 है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, तो ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। और साथ ही साथ इसमें एक अल्कोहल भी आती है, अल्कोहल की यदि हम बात करें तो कोई सी भी अल्कोहल CH3CH OH CH और यहां पे R ले लीजिए, ये वाली अल्कोहल, तो ये वाला एल्डिहाइड केवल एक ही एल्डिहाइड है, ये टेस्ट देता है। कीटोन्स में CH3CO ग्रुप जिसमें है वो कीटोन से टेस्ट दे देते हैं, अल्कोहल में CH3CH OH ग्रुप जिसमें है वो ही टेस्ट दे लेते हैं, एस्टर्स में जहां O के आगे CH2CH3 है वो भी ये टेस्ट देते हैं और ये वाले टेस्ट नहीं देते। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक सिर्फ इतनी सी कि CH3CO ग्रुप की इंपॉर्टेंस है, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन हो जिसमें CH3CO ग्रुप है वही टेस्ट देगा, और अल्कोहल में भी अगर ऑक्सीडेशन के बाद ये ग्रुप आ सकता है, देखो यहां से एच और यहां से एच हट जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, एच हट जाता है तो CH3CO ग्रुप आ गया, तो जो वो अल्कोहल जो ये ग्रुप डेवलप कर सकता हो ऑक्सीडेशन के बाद ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन बना सकता हो वो भी ये टेस्ट दे देगा। तो तीन बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ध्यान रखिए इथेनॉल पे जनरली बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इथेनॉल की अगर मैं बात करूँ तो CH3 CH OH, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ OH कर लो तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा। तो देखिए ग्रुप आ गया ना CH3 CH OH CH OH, तो इथेनॉल ये टेस्ट देता है, मिथेनॉल नहीं देता। ध्यान रखें मिथाइल एसिडेट ये टेस्ट नहीं देता, लेकिन इथाइल एसिडेट देता है, क्योंकि वो भी बातें मैं अभी आपको जब रिएक्शन आएंगे चलिए तब बता दूंगा, लेकिन अभी तो हम रिएजेंट्स तैयार कर रहे हैं। ये ध्यान रखें तो ये टेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कीटोन्स है, ये कौन है एस्टर है, ESTER एस्टर है, और ये कौन है अल्कोहल्स है। फाइन, नाउ टेस्ट विद NaHCO3, इसके साथ अगर हम बात करें तो ये टेस्ट केवल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कोई ये टेस्ट नहीं देगा। जनरली इनका कंपैरिजन होता है फिनॉल से, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, कीटोन से नहीं देगा, एल्डिहाइड से नहीं देगा, यानी जो रिएक्शन अभी आपके सामने मैं बताऊंगा ये टेस्ट केवल कौन देते हैं, ये टेस्ट केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, जो कि रिएक्शन यहां मैंने लिख दी है सामने, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट। एंड बात करते 2,4-DNP टेस्ट, ये कौन दे सकते हैं, सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स दे सकते हैं, सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सब, इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं बनती, लेकिन पता तो होना चाहिए। तो गाइस जो सामने अभी आपके सामने लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये टेस्ट है और टेस्ट पे हर साल क्वेश्चन आता है, टॉलरेंस स्पेलिंग हेलोफॉर्म NaHCO3 और लास्ट वाला जो है 2,4-DNP टेस्ट। अब एग्जाम में आ तो गया, आपसे पूछ भी लिया, अब एग्जाम में मान लीजिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी मदद से हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे, लेकिन रिएक्शन लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे उसकी मेट्रिक आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम टॉलरेंस की बात करेंगे तो टॉलरेंस की रिएक्शन टॉलरेंस के सामने ही कर देंगे। ओके देखिए टॉलरेंस एजेंट में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए टॉलरेंस एजेंट कौन कौन, टॉलरेंस एजेंट से किस किस की रिएक्शन आती है आपको अच्छे से पता है, मैंने आगे बता दिया आपको, ठीक है। तो ध्यान रखें कभी भी जैसे मान लीजिए हमने कोई एल्डिहाइड ले लिया RCOH, टॉलरेंस एजेंट क्या होता है, टॉलरेंस एजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NH3 होल ट्वाइस प्लस, और बेसिक मीडियम में सारा काम होता ही होता है, अब आपको बताना है। तो इसकी ट्रिक है 1, 2, 3, बस आप इतना ध्यान रखिए टॉलरेंस एजेंट में 1, 2, 3, और प्रोडक्ट्स पहचानना तो बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं होता, बिल्कुल इजीली आप प्रोडक्ट पहचान सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए RCOOH है ना, उसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए, कार्बोक्सिलेट आयन बना दीजिए, ऑक्सीडेशन हो गया, एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ध्यान रखें यहाँ से एक एच गायब कर दिया और एक नई ऑक्सीजन आ गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 AG है, ये 2 AG का PPT आ जाएगा, और यही सिल्वर मिरर PPT होता है जो कि मेन टेस्ट में होता है, यहाँ आपको लिखना चाहिए क्योंकि इसी से टेस्ट डिस्टिंग्विश होता है। अमोनिया कितने हैं, 4, तो आप यहाँ लिख दीजिए 4NH3 गैस बाहर। अब क्या बचता है, 3, इसमें से एक ऑक्सीजन तो चला गया था इसे जुड़ने के लिए, 2 ऑक्सीजन बच गए तो 2H2O, यहाँ देखिए क्या लिख दिया हमने 2H2O, और एक एच वहां से आ गया था, 3H यहाँ है तो 4H हो गए, ये रिएक्शन हो गई। अब साथ में दूसरा रिएजेंट तो टेस्ट शो करेगा नहीं, जो कोई कीटोन है तो कीटोन लिखिए, ये रिएजेंट्स लिखिए और क्रॉस 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 कर दीजिए, दैट्स ऑल, बस यही टॉलरेंस के टेस्ट होते हैं, ध्यान रखेंगे। फाइन चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या करते हैं, फेलिंग टेस्ट में भी सेम यही चीज है, RCOOH वही एलिफेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं और तो कोई शो ही नहीं करता, साथ में यहाँ पे फेलिंग्स जो होता है उसमें Cu2+ लेते हैं 2 यूनिट्स, साथ में बेसिक मीडियम लेते हैं, प्रोडक्ट्स में वही चीज़ जो ऊपर बनी थी RCOO-, ओके ध्यान कैसे रखते हैं वो भी मैं बता दूंगा, प्लस कॉपर 2+ से कॉपर 1 में आ जाता है तो CuO में कन्वर्ट हो जाता है, ओके साथ में वही H2O, याद रखने का तरीका क्या होता है 2 यानी 4+ है, अब यहाँ पे 4+ है और यहाँ पे केवल एक ही माइनस है, यहाँ 4+ और एक ही माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, यहाँ पे आपको 5 लगाना चाहिए क्योंकि 5 माइनस और 4+ 1 माइनस 1 माइनस। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 5 लगाया तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक तो चला गया जबकि 4 ऑक्सीजन बचे, तो अब आप उसको यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन उधर चला गया, 4 बच गए, 2 कॉपर को बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए और 2 यहाँ, 4H यहाँ पे काम में आ गए, आप यहाँ देख सकते हैं 4H यहाँ काम में आ गए, फाइन, और ये रिएक्शन मेरे हिसाब से बैलेंस हो जानी चाहिए। एक बार हम और चेक कर लेते हैं RCO- ट्वाइस ये होना चाहिए Cu2O, तभी तो कॉपर की +1 ऑक्सीजन स्टेट आएगी और ये रेड PPT आ जाएगा Cu2O, तो अब कॉपर बैलेंस्ड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं आपके पास, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपने 5 लिया यानी टोटल 6 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आएगा 3।
फाइन, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 5 यहाँ पे और 1 यहाँ से आ गया, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, फाइन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन ध्यान रखिए, बस इतना सा ध्यान रखें, 1, 2, 5 और उससे ही बैलेंस हो जाता है, ये फाइलिंग टेस्ट है। नाउ आगे चलते हैं, अगला जो टेस्ट था वो था सोडियम, सॉरी हेलोफॉर्म टेस्ट था। अब हेलोफॉर्म टेस्ट देखिए, हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या करना है वो देखें, हेलोफॉर्म टेस्ट में आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा था, कोई सा भी ग्रुप जिसमें कौन सा पार्ट हो, CH3CO वाला पार्ट हो, इधर कुछ भी हो चलेगा, हम इसी की रिएक्शन देखते हैं। हेलोफॉर्म के अंदर सिर्फ आपको NaOH प्लस I2 लिखना है, इतना सा करना है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक सुन लीजिए, जो CH3 वाला पार्ट है ना उसको तो आप कन्वर्ट कर दो CHI3 में, एरो करके लिख दो येल्लो PPT, ये जो येल्लो PPT है इसी को हम टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करते हैं, इसी से हम पहचान लेते हैं, येल्लो PPT का आना मतलब CH3CO ग्रुप है, तो CH3 CHI3 हो गया। अब जो चीज़ बची हुई है ना उसका आपको एसिडिक सॉल्ट बनाना है। अब एसिडिक सॉल्ट मतलब इस कोने से शुरू करो HCO और एंड में हमेशा O- और Na+, जैसे सोडियम फॉर्मेट। आप कोई सा भी ले लो, हर रिएक्शन ऐसी होगी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पे कोई सा भी ग्रुप लगा लो, CH3CO ग्रुप है तो टेस्ट तो आना ही आना है, तो यहां मान लीजिए मैं लिख देता थोड़ी देर के लिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैंने CH3 लिख दिया, तो अब आप क्या करते, इस दर से तो CHI3 ही बनेगा फिक्स्ड है। अब इधर से शुरू करते, तो इधर क्या लिखते आप CH3CO और एंड में आपको यही फिक्स लगाना है सब जगह, तो यहां जो भी ग्रुप होगा वो यहां जुड़ता जाएगा, लेकिन हमें तो येलो PPT से मतलब है, और जो टेस्ट नहीं शो करता उसमें एरो करके क्रॉस 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 कर दीजिए तो हम कह देंगे कि यहां रिएक्शन नहीं हुई है, और यहां पे येलो PPT का आना टेस्ट को कंफर्म कर देता है। अब क्वेश्चन इज अल्कोहल में हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है और CH3CH2OH ये क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई हम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये अल्कोहल है, या इस अल्कोहल से थोड़ा सा हम पहले चलते हैं, तो मान लीजिए ये एस्टर आ गया CH3COOCH2CH3। अब क्या होता क्या है, वैसे तो सीधा सा होता है, एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम में मैं कंसेप्ट बता दूंगा आपको, लेकिन एग्जाम में तो NaOH प्लस I2 लिखिए। अब आप नहीं NaOH I2 तो लिख दिया, प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे, तो प्रोडक्ट में आपसे मैंने क्या कहा था कि ये इथेनॉल बना देता है, ये वाली जो चीज़ होती है, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है और एस्टर्स हो या एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो वो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज हो जाता है, H और OH इधर बन जाते हैं, तो अल्कोहल ही बनता है अल्टीमेटली। अब अल्कोहल बन गया, दिमाग में रखिए अल्कोहल बन गया, कौन सा बन गया, इथेनॉल बन गया, तो पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो इथेनॉल क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये इथेनॉल बन गया। अब इथेनॉल भी इन कंडीशंस में NaOH और I2 वाली कंडीशंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, दो कार्बन का अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपको दे देगा CH3COOH, ये हो गया। अब CH3COOH क्या फर्दर रिएक्शन कर सकता है NaOH और I2 से, बिल्कुल कर सकता है, ये रहा, यहां पे अगर मैं H लगा दूं, थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन बताई थी, तो ये टेस्ट ये का यही आ जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट्स वही बनेंगे जो ऊपर बनाए थे, मान लीजिए मैं यहां पे H लगा दूं तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे भी क्या रहने वाला है, यहां पे भी H रहने वाला है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप एस्टर लेते हो और ये कॉम्बिनेशन इसमें देते हो तो अंदर ही अंदर ये एस्टर्स इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इथेनॉल NaOH और I2 की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और इथेनॉल बिल्कुल वैसे रिएक्शन करेगा जैसे कि यहां रिएक्शन हुई थी। तो अब इसके अंदर आप क्या लिख देंगे, इसके अंदर आप लगा देंगे NaOH और I2, फर्दर रिएक्शन पर रिएक्शन होती जा रही है और इस पार्ट से आपको क्या मिल जाएगा, CHI3 का PPT और इस साइड से HCOO- और Na+, दैट्स ऑल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखें कब इंपॉर्टेंट है, दिस इज इथाइल एसीटेट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई। तो हेलोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ NaHCO3 की बात करें, NaHCO3 तो ये किसके लिए आता है, ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ही इसके साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि काफी वीक बेस है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्शन कर सकते हैं। तो कोई सा भी एसिड आप लिख सकते हैं, हम आपके लिए ये लिख देते हैं CH3COH, NaHCO3 से रिएक्शन है, ठीक है। जैसे आप इनको मिलाएंगे, एसिड बेस सॉल्ट CH3CO- Na+, CH3COO- Na+, बची हुई चीज में से H2O और ब्रिस्क एफर्वेसेंस CO2 की वजह से। ये टेस्ट यदि आपने किसके साथ करने की कोशिश की, फिनॉल के साथ करने की कोशिश की, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कभी भी एग्जाम में बहुत बार आया क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड लिखाओ, एसिटिक एसिड लिखाओ और उसको डिस्टिंग्विश करवा रहे हो, कोई सा भी एसिड लिखाओ कार्बोक्सिलिक एसिड और डिस्टिंग्विश करवा रहे हो, तो मान के चलिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में तो यही रिएक्शन एकमात्र रिएक्शन है जो आपको लिखनी है, इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं है। और एक जो ऊपर एक्सेप्शन था कि जो फॉर्मिक एसिड होता है HCOH वो टॉलरेंस के साथ टेस्ट दे देता है, ठीक है, तो एक वो रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको यही रिएक्शन लिखनी चाहिए, फाइन, और कोई ये रिएक्शन शो नहीं करता, ना एल्कोहल, ना फिनॉल, ना एल्डिहाइड, ना कीटोन, दैट्स व्हाई।
नाउ नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट 24DNP टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। देखिए 24DNP टेस्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन, बस कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, सीओ ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फाइन, तो रिएक्शन क्या है, H2N डेरिवेटिव बनाना है इसका, डेरिवेटिव ये वाला लेना है इस बार 2,4, ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसके साथ हम रिएक्शन कर देते हैं, वही H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड NNH, यहाँ NO2 और यहाँ NO2, ठीक है, ब्रेडीज रेजेंट भी कहते हैं इसे, ब्रेडीज रेजेंट, राइट। ये टेस्ट हो जाता है, ये कंपाउंड बन जाते हैं, इसे कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, और इस जगह पर येलो PBT आ जाता है, येलो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। उन येलो क्रिस्टल्स का बनना कंफर्म कर देता है कि अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए टेस्ट करने के लिए आ जाए, कहीं फंस जाए, आपको कोई टेस्ट समझ ना आ रहा हो, तो आप इसे यूज कीजिए, नहीं तो आपका काम टॉलरेंस, फैलेंस, हेलोफॉर्म से ही हो जाएगा। मेन काम तो उन तीनों टेस्ट से ही हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके साथ डिस्कस किए, काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो फेज 1 कन्वर्जन हमने कंप्लीट किया जिसके 3 केसेस थे, फेज 2 पे हमने फिर कुछ रिएक्शंस कंप्लीट किए जिसमें भी 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट कौन से थे, एक था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा कैनिजारो और तीसरा इटार्ड, और उसके बाद हमने टेस्ट डिस्कस किए। इसके अंदर मेन तो 3 ही पार्ट थे, टॉलरेंस, फेलिंग्स एंड हेलोफॉर्म, लेकिन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा 24DNP टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे 3 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट फेज रहेगा, वो हमारा नेक्स्ट फेज रहने जा रहा है, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। थोड़ी सी स्पेलिंग मैं वापस लिख देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के जो क्वेश्चंस होते हैं आए हैं अंदर, मैं जो आपको बता रहा हूं केवल आप इस पे ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको इसके क्वेश्चंस करने के लिए क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखिए, माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है। इसके भी हम 3 पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट, जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, फाइन। एंड लास्ट जो रिंग से जुड़ा जो COH होता है उसके अंदर जो ये रेजोनेंस होता है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को खराब कर देता है, क्योंकि ये रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर देता है। डिटेलिंग मैं नहीं दे रहा, बस ध्यान रखिए। तो बेंजीन रिंग से जो COH ग्रुप जुड़ा रहता है उसमें जो ये रिंग होती है, ये यहां चलने वाले रेजोनेंस को, H+ निकल जाने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसके रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर देती है। मैं बात आपके दिमाग में से डाल रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो ध्यान रखिए ये रेजोनेंस यहां चलने वाले रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर देता है। H+ अगर मैं निकाल दूं, देखिए तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। अब यहां पे रेजोनेंस चलता है, नहीं चलता है, यहां माइनस ले लीजिए, प्लस माइनस बॉन्ड, तो इस रेजोनेंस को ये पीछे जुड़ी रिंग डिस्टर्ब कर देती है और इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ये एक केस ध्यान रखने वाली बात है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। नाउ अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं, फर्स्ट केस तो बहुत ही आसान है और इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आए, COH, इसके ऊपर अगर NO2 ग्रुप जुड़ा रहा है तो आपको अच्छे से पता है कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई माइनस आर, तो एसिडिटी ज्यादा ही होगी। इसके बाद यदि हम बात करें यहां पे तो COH, राइट, कोई इफेक्ट नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें यहां पे तो यहां पे OCH3, ये मिथॉक्सी है, 4-methoxybenzoic acid, यहां पे लोन पेयर होता है तो ये डोनेशन करता है, तो मतलब प्लस आर टाइप का इफेक्ट है, तो इसकी वजह से एसिडिटी सबसे कम। तो ध्यान रखिए नाइट्रो वाले ग्रुप में एसिडिक सबसे ज्यादा, फिर बीच वाले में कोई खास नहीं, और इसमें तो डिक्रीज करने वाला ग्रुप है, तो इसमें माइनस आई, इसमें नो इफेक्ट और इसके अंदर प्लस आर, तो इस वजह से एसिडिटी का ये ऑर्डर है। अब ध्यान रखिए यहां से यहां जाने पर एसिडिटी क्या हो रही है, तो आप कहेंगे डिक्रीजेस, तो के ए क्या होगा, तो के ए डिक्रीजेस, और पी के ए क्या होगा, पी के ए इंक्रीजेस। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी के ए और पी के ए पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन ना रखें। एसिडिक जितना ज्यादा होगा के ए उतना ज्यादा होगा और पी के ए उतना ही कम होगा, अब क्योंकि यहाँ सबसे कम एसिडिक है तो पी के ए सबसे ज्यादा होगा। ये फर्स्ट केस है, चले देखें सेकेंड केस। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस पे यदि हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखें BR CH COH, मैं पूछूं ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं तो एसिडिक तो अच्छा होना ही होना है,
इससे कम अगर दो बीआर की जगह एक बीआर आ जाए तो आप समझ गए होंगे ना, अपनी और खींचने की जो ताकत है थोड़ी कम हो गई तो एसिडिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। फाइन, यहां देखिए, फाइन ना। अब इससे आगे चलते हैं, अब किसको लिया जाए तो अब देखिए इसके बाद आ जाएगा ये HCOH, क्योंकि इस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं है तो इसकी एसिडिटी तो कम ही होगी। और इससे कम आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है और यहां पे इस रिंग ने इसके इफेक्ट को डिस्टर्ब किया है, जो मैंने बात अभी आपको बोली थी उसकी वजह से ये ऑर्डर होता है। ध्यान रखिए, समझ नहीं भी आ रहा है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, क्विक रिवीजन है, मैं यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग नहीं कर सकता। वैसे अगर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें 22 से 23 क्लासेस लगती है, लेक्चर्स लगते हैं जो कि 45 टू 1 आवर्स के होते हैं, राइट, और हम ये सारा काम 1 आवर में कर रहे हैं तो वो बात तो नहीं हो सकती। हां, लेकिन 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर्स हम कवर कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना भी आप ध्यान रख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे सारे। देखिए इसके बाद यदि हम आगे चले तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद यहां देखिए, इसके बाद वाला जो ऑर्डर आएगा उसके अंदर बेंजीन रिंग CH2 COH, फिर ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये रिंग इससे दूर हो गई और यहां पे जो CH2 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई से एसिडिटी कम होती है, तो इससे कम ये हो जाएगा। और आगे अगर हम चलें तो अब तो आपके लिए समझना थोड़ा और आसान है, CH3 COH, इसमें तो डायरेक्टली ये इफेक्ट आ गया तो ये और कम, और ये तो प्लस आई और ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो इसकी एसिडिटी और कम हो गई। तो ये जो ऑर्डर अभी आपने देखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे। तो ये माइनस आई की वजह से सबसे आगे था, ये भी माइनस आई, लेकिन इतना स्ट्रॉन्गर माइनस आई नहीं है, यहां पर नो इफेक्ट था, इसने रेजोनेंस डिस्टर्ब किया, यहां पर तो प्लस आई काम करने लग गए, इस सेक्शन में तो प्लस आई काम कर रहा है, करेक्ट, तो इसको शो करने की जरूरत नहीं है, आपको बात समझ में आ गई होगी। एसिडिटी कम होती जा रही है तो के कम होता जा रहा है, पीके बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्ड फेज तो बहुत आसान है, मैं बना देता हूं, आप देख के ही समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन आया इसलिए कर रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल इन लेवल के आगे तो बहुत छोटा लेवल है इसका, CH3 CHBr CH2 COH। अब मैं आपसे पूछूंगी ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो माइनस आई इफेक्ट तो ये भी शो कर रहा है, माइनस आई तो ये भी शो कर रहा है, लेकिन देखिए ये सीएच ग्रुप के ज्यादा नजदीक है तो माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिवली खींचेगा अपनी तरफ, दैट्स व्हाई ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई शो कर रहा है, ये थोड़ा सा दूर हो गया तो वीकर माइनस आई है, माइनस आई वीक हो जाएगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी, तो इसकी एसिडिटी ज्यादा है और इसकी कम है। फाइन, तो जो अभी आपने क्वेश्चन देखे वो एसिडिटी के ऊपर देखे थे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे। फाइन, इसी के साथ हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। वैसे हम देख चुके हैं लास्ट या जो प्रीवियस चैप्टर था उसके क्विक रिवीजन में हमने देखा ही है, मैं आज फिर बता देता हूं आपको, कंपेरेबल मोलर मास है, जनरली क्वेश्चंस यही आए, मोलर मास शुड बी कंपेरेबल, ये ध्यान रखें, तो मोलर मास सबका कंपेरेबल है। मान लीजिए मैं कोई हाइड्रोकार्बन ले लूं, हाइड्रोकार्बन आपके वहां तो कंपाउंड लिखे हुए आएंगे, मैंने सिर्फ हाइड्रोकार्बन लिखा है, इनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो एल्डिहाइड का होगा, इससे ज्यादा कीटोन का होगा, इससे ज्यादा अल्कोहल का होगा और सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, ये बात प्रीवियस चैप्टर में हो चुकी है। रीजंस, मास सबका कंपेरेबल है तो हाइड्रोकार्बन में जो आता है वो आते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस जो कि बहुत वीक होते हैं, ओके, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डिस्पर्जन से स्ट्रॉगर होता है इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दिमाग में बात आई होगी कि एल्डिहाइड कीटोन तो सेम मास के होते हैं तो कीटोन आगे क्यों, क्योंकि कीटोन का जो डायपोल मोमेंट होता है वो एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, न्यू की वैल्यूज की ज्यादा होती है तो कीटोन्स कंपैरेटिवली ज्यादा पोलर होते हैं एल्डिहाइड से, दैट्स व्हाई थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है लेकिन होता है और कीटोन्स ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आज तक आया तो नहीं है लेकिन ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात बताइए, अल्कोहल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल तो सबसे आगे होगा ही होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही है, स्ट्रेंथ भी सेम है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर के हिसाब से मैं बोल चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होता है, दो यूनिट्स मिलकर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है जबकि अल्कोहल की दो यूनिट्स मिलकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाती है, तो यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे हाईएस्ट होते हैं, तो दैट इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। फाइन, नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट
फेज जो हमारा आता है वो आता है पैराग्राफ से रिलेटेड, कुछ हम बात करते हैं पैसेज से रिलेटेड। देखिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C8H16O2। ओके, इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपको दो कंपाउंड्स मिलते हैं ए एंड बी, या इसको हम ए मान लेते हैं तो इसको हम बी और सी मान लेते हैं, फाइन। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जब बी का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो सी बन जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ, राइट। बी के ऑक्सीडेशन से सी बन जाता है, यह एक इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि बी का जब डिहाइड्रेशन किया जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है, डिहाइड्रेशन लिख देते हैं, H+ लिख देते हैं, हाई टेम्परेचर कर देते हैं, तो आपको जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है ब्यूट 1-ईन। ये भी कह दिया गया आपको, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए जरा कि ए बी सी क्या है, करेक्ट। तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। अब देखो क्या है, C8H16O2 दो ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड है, जनरली दो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर्स हो सकते हैं। अब दो चीजें जब मिलती है तो जनरली वो एस्टर्स ही होते हैं, क्योंकि एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, और अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। अब पॉइंट इज, इतने सारे कार्बन हैं, जस्टिफाई कैसे करोगे? तो सीधी सी बात है, चार कार्बन के अल्कोहल से चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 4-4, यानी कि बराबर बराबर मिलेंगे दोनों के दोनों। तो बस उससे मुझे क्लू मिल गया कि जो मुझे एस्टर लेना है वो कुछ ऐसा लेना है जिसके हाइड्रोलिसिस से सेम नंबर का ही अल्कोहल और सेम नंबर का ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। तो ये देखिए, चार कार्बन तो इधर ले लिए और चार कार्बन मैं इधर ले लूंगा, हो गया। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड टूट जाता है, ये H और ये OH, तो जो अल्कोहल आपको मिलने वाली है हाइड्रोलिसिस, तो जो अल्कोहल आपको मिलने वाली है वो है CH3CH2CH2CH2OH, और साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा वो रहेगा CH3CH2CH2COH, चार कार्बन का। इसे आप कह दीजिए बी, इसे आप कह दीजिए सी, और बी का यदि ऑक्सीडेशन किया जाए, कोई सा भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं आप, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जोन्स रिएजेंट लिख सकते हैं, KMnO4, KOH, K2CR2O7 एसिडिक मीडियम में, तो चार कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और रही बात इस अल्कोहल का, जब डिहाइड्रेशन आप करेंगे तो अल्फा से OH और बीटा से H, तो CH3CH CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपको मिल जाएगा ब्यूट 1-ईन। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है, फाइन। तो यहां तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूंगा, ध्यान रखिएगा, कार्बन का नंबर जब 6 से ज्यादा हो तो ये कंफ्यूजन ही आता है कि वो बेंजीन भी हो सकती है, ठीक है, पर ध्यान रखिए बेंजीन तब होगी जब कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर पास पास हो, मतलब कार्बन का नंबर 6 से तो ज्यादा होगा ही होगा और हाइड्रोजन उसके आसपास होगा। जैसे कार्बन का नंबर 7-8 है तो हाइड्रोजन 8 के आसपास होगा, 6 के आसपास होगा, जस्ट डबल नहीं होगा। यहाँ देखिए डबल है, 8 कार्बन है और डबल हाइड्रोजन है, तो ऐसे केस में बेंजीन रिंग कभी नहीं हो सकती, ऐसे केस में चेन नहीं आएगी। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस कराता हूं, उससे भी आपको बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमें एक फिर कंपाउंड दिया जा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेते हैं C8 या C9H10O। ये कोई कंपाउंड है C9H10O, अब 6 से ज्यादा है ना, और कार्बन 6 से ज्यादा है, हाइड्रोजन देखिए उसके पास पास है, तो समझ जाओ कि यहाँ बेंजीन रिंग तो होगा ही होगा, ये एक ट्रिक है। अब कहा जा रहा है जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के साथ अगर देखें तो 2,4-DNP test आता है, ये कंपाउंड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, ये कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन जो होती है वो भी शो करता है, और इस कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो जो कंपाउंड मिलता है उसमें हमें एक इथेनोइक एसिड मिलता है और एक प्रोपेनोइक एसिड मिलता है। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कंपाउंड क्या हो सकता है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए पहले तो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि जो ट्रिक है वो है बेंजीन रिंग, तो होना तय है। दूसरी चीज, 2,4-DNP test देता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप तो होगा ही होगा, CO ग्रुप तो होगा, वो एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा वो सोचना है, और हो भी सकता है क्योंकि 6 कार्बन ही आए, 9 का हिसाब देना है आपको, ठीक है। तो कैसे देंगे देखें, उसके बाद हमसे कह रहे हैं टॉलरेंस के साथ रिएक्शन होती है, टॉलरेंस के साथ रिएक्शन होती है तो मतलब आप समझ जाइए कि वो एल्डिहाइड ही है। अब एल्डिहाइड की यदि हम बात करें तो ये लीजिए हमने एल्डिहाइड बना दिया, अब साथ में ये एल्डिहाइड क्यों बनाया, एल्डिहाइड तो ये वाला भी बन सकता था CH2CHO, और भी कार्बन है ना, बन सकता था, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन देता है। कैनिजारो रिएक्शन हमेशा आपको अच्छे से बताया, हमने आज ही देखा बेंजल डीआईडी देते हैं और कोई दोष शो नहीं करता एरोमेटिक में,
तो बात तो तय हो गई कि यहां तो केवल COOH ही होगा। फाइन, पहली बात जस्टिफाइड सीओ से टेस्ट आ जाएगा, दूसरी बात टॉलरेंस एजेंट एल्डिहाइड टेस्ट आएगा, तीसरी चीज कैनिजारो रिएक्शन परफेक्ट है कि होगी होगी, चौथे में हमसे कह रहे हैं, मुझे ध्यान आया ये नहीं है, इसका जो प्रोडक्ट है वो ये था, चौथे में हमसे कह रहे हैं कि जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये वाला कंपाउंड बनता है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मुझे ध्यान नहीं रहा वो ये चीज है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये बनता है, राइट। तो ये जो कंपाउंड बना है ये का आइडिया आपको लगाना है कि ऑक्सीडेशन से ये कंपाउंड बन जाता है। तो ये बात तो तय है कि जो भी चीज है वो यही होगी। अब यहां क्या हो सकता है तो अपन देखते हैं जरा, 9, 6, 7 ही हो गए, ऑक्सीजन एक पूरा हो गया, तो अब हाइड्रोजन कार्बन कितने बच रहे हैं, 7, 2 बच रहे हैं कार्बन, तो ये लीजिए 2 तो लिख दिया मैंने। अब हाइड्रोजन है 10, 1, 2, 3, 4, 5, जबकि 5 और आने चाहिए, तो CH2, CH3, दैट इज योर कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की सारी रिएक्शंस आपको कैसे लिखनी है वो मैं बता चुका हूँ, वो तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन 2,4-DMP के साथ यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी, टॉलरेंस के साथ यहाँ पे COO आ जाएगा, याद है बेंजीन रिंग COO और बाकी सब यू का यू रहने वाला है, फिर ट्वाइस AG, 4NH3, ट्वाइस H2O। कैनिजारो रिएक्शन सब कुछ ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे CH2OH और COO माइनस और Na+। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आप करेंगे तो मैंने आज ही बताया आपको कि ये वाला ग्रुप, ये वाली रिएक्शन भी बताई थी कि यहाँ पे COH आ जाता है, और ये वाली रिएक्शन भी थी बस यहाँ पे CH3 था, तो मैंने कहा था बस ये टूटता है और COH आ जाता है, तो देखिए COH आ गया, तो इसे आप थैलिक एसिड कह सकते हैं। फाइन, दैट इज थैलिक एसिड। तो ये जो कंपाउंड है ये जस्टिफाई हो जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। ओके, तो आई होप आपको क्विक रिविजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी रहा ये, थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था, और हमने पूरी कोशिश की कि हम सब कुछ अच्छे से कवर कर लें। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा, एग्जाम टाइम में तो जरूर इनको रिवाइज करें, उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आए। ओके गाइस, सो इस वीडियो में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अमीन्स के क्विक रिविजन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राज किरण चौहान साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन।